परम पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज ने अपने सच्चे मुर्शिद कामिल हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के इलाही हुक्म से ब्यास से सरसा में पधार कर यह सच्चा सौदा नामक प्रेम का पौधा लगाया। यह कुल मालिक की इलाही बख्शिश है। पूजनीय हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज को कुल मालिक की इलाही दात सदगुरु मालिक की उपाधि प्रदान करते हुए अपने इलाही वचनों की झड़ी लगा दी। आप जी ने अपने सच्चे मुर्शिद कामिल के प्रति सच्चे अद्वितीय प्यार, महान त्याग, प्रबल सुमिरन शक्ति पर जो वचन फरमाए वो इस प्रकार हैं। जा मस्ताना शाह, तुम्हारे को सब काम करने वाला जिंदा राम दिया, पीर भी बनाया और अपना स्वरूप भी दिया, तुम्हारे को वो राम बख्शिश में दिया जो किसी और को नहीं दिया। तू जा और बेधड़क होके दुनिया में मालिक का नाम जपा, कुछ और भी मांगना है तो सामने आकर बोल, दोनों हाथों से देंगे, खुले दिल से मांग, असी तुम्हारा देना है, तूने लेना है। कुटिया बनाने और शरियाम खुला सत्संग लगाकर मालिक का नाम जपाने का इलाही फरमान जारी करते हुए पूज्य बाबा जी ने वचन फरमाए, मस्ताना शाह, असी तुम्हारे को अखुट भंडारा बख्शते हैं जो दोनों जहानों में कभी नहीं खुटेगा। बलोचिस्तान के लिए असी तुम्हारे को 8 आने की ताकत दी थी। पंजाब के मिंट गुमरी, सरगोधा, मुल्तान आदि में ओम हरि अल्लाह, राम वाहे गुरु, गॉड के उस सच्चे नाम के प्रचार के लिए असी तुम्हारे को 12 आने ताकत बख्शी थी और अब बागड़ के लिए 25 रुपया ताकत बख्शते हैं। यह लो, यह हमारी अपनी कमाई है, बागड़ तुम्हारे स्पुर्द है। जाओ, डेरा बनाओ, सत्संग लगाओ और दुनिया को खूब नाम जपाओ। इस तरह अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म व उनकी बख्शिश के द्वारा पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा रूहानी बाग लगाया और इसमें मालिक के सच्चे प्रेम का पौधा लगाकर इसे अपने हृदय के उस इलाही प्रेम से 12 वर्षों तक सींच सींच कर इसकी पालना की। परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने इस पौधे को अपनी रहमत से पाल पोस कर बड़ा किया, इसे सजाया। अब वही पौधा पूज्य हजूर पिताजी की पावन रहनुमाई में खूब महक रहा है। पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी ने यह सच्चा सौदा मालिक प्रभु की बिना पाखंड और बिना रुपए पैसे, दान दक्षिणा आदि के सच्ची भक्ति, मालिक के सच्चे प्रेम का मार्ग दुनिया को दिखाया। बेशक प्रेम के इस मार्ग में काफी कठिनाइयां व परेशानियां तो जरूर आती हैं, लेकिन जो भक्त तन मन से इस मार्ग पर निकल पड़ते हैं वे बहुत जल्दी मालिक को मिल जाते हैं। इसलिए शहनशाह मस्ताना जी महाराज ने दुनिया को मालिक प्रभु से मिलाप करने का वही जल्दी मिलाप कराने वाला मार्ग दिखाया, चलने की प्रेरणा दी, जिस मार्ग के द्वारा आप खुद अपने सदगुरु कुल मालिक से मिलाप किया। पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज की अपने मुर्शिदे कामिल के प्रति प्रेम व त्याग की भावना, आप जी अपने मुर्शिदे कामिल पर तन मन धन व जी जान से कुर्बान थे। आप जी ने अपने सच्चे मुर्शिदे कामिल का सच्चा प्यार पाने के लिए अपना सब कुछ, घर बार, बाल परिवार, मान बढ़ाई, इज्जत, शोहरत व दुनिया की लोक लाज सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आप जी हर समय अपने मुर्शिद के हुक्म को ही मुख्य मानते और उनकी रजा को ही सामने रखते। पूज्य हजूर बाबा जी ने आप जी के सामने समय समय पर कठिन से कठिन बहुत सी परीक्षाएं रखी, लेकिन आप जी ने अपने प्यारे दातार जी का हुक्म हंसते हंसते सत वचन कहकर स्वीकार किया। डेरा ब्यास में रहते हुए वहाँ के कुछ प्रबंधक भाई पूज्य शहनशाह मस्ताना जी महाराज से ईर्ष्या की भावना रखते और बात बात पर पूज्य बाबा जी के पास शिकायत कर दिया करते। पूज्य हजूर बाबा जी उनकी सुनकर उनके दिखावे मात्र प्रेम पर मुस्कुरा दिया करते। एक दिन पूज्य बाबा जी ने उन सभी प्रबंधक भाइयों के सामने गहरे कुएं में कोई चीज फेंक कर हुक्म फरमाया कि तुम्हारे में से कोई सेवादार उसे बाहर निकाल लाए। अब सभी ने एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर दिया। कोई कहे, महाराज जी अभी किसी सेवादार को बुलवा कर निकलवा देते हैं। कोई कहे, महाराज जी कोई खास बात नहीं, ये 50 रुपए की ही होगी, चलो गई तो जाने दें, नई और मंगवा लेंगे। यानी ऐसा कहकर वे सब लोग खिसक गए। इतने में मस्ताना जी महाराज को बुलवा कर इशारा किया कि वह निकाल कर लाना है। इतना तो कहने ही नहीं दिया, झट से कुएं में छलांग लगा दी। उन प्रबंधकों को बुलाकर फरमाया, मस्ताना शाह की रीस कौन करता है। सभी के चेहरे फीके पड़े हुए थे। इसी तरह एक बार गुरु साहिबानों ने अपने एक सेवक की एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम करने की ड्यूटी लगाई। वह ड्यूटी का अर्थ था बिल्कुल तेज भड़कती आग में कूदना। सेवक ने अपनी जान पर खेलते हुए वह अपना फर्ज तो पूरा कर दिया और वो काम फतेह करके अपने मुर्शिद कामिल के पास पहुंचा दिया, लेकिन उसके खुद के पीछे उसे खत्म करने के लिए दुश्मनों की फौज लग गई। अब वह अपने घोड़े पर बचता बचाता हुआ एक ऐसे स्थान पर आ गया जहाँ पर दाने भूनने वाली एक माता अपनी भट्टी में दाने भून रही थी। उसने अपनी कहानी बताते हुए कहा, माता मैं फलां गुरु का शिष्य हूँ, मेरे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, मेरे को अपने यहाँ कहीं छुपा ले। उस माता ने कहा कि अगर तू फलां गुरु का शिष्य है तो इधर आ जा। उसने भट्टी के ऊपर से वो कड़ाहा हटाते हुए कहा कि अपने गुरु मुर्शिद का ध्यान करते हुए इस भट्ट में छुप जा,
भट्ट की आग से पूरी तरह तप रहा था। बस फिर क्या था, वह सिख भी सिदक का पक्का व दृढ़ निश्चय वाला था। अपने मुर्शिद कामिल को याद करते हुए उसने भट्ट में छलांग लगा दी और उस माता ने कड़ाहा ऊपर रखकर पहले की तरह दाने भूनने शुरू कर दिए। आग भी बराबर जल रही थी, ऊपर से दाने भूने जा रहे थे। चनों में मटकी फेर कर दाल बनाई गई और वह सिख नीचे आग में बैठा सर्दी से ठिठुर रहा था। क्या कह रहा था, मालिक यहाँ पर भी इतनी सर्दी है, इतने बादल गरज रहे हैं, बिजलियाँ चमक रही हैं। इधर वह सिख आग के अंदर बैठा बैठा ठंड ठंड कह रहा है और उधर गुरु साहिबान अपने शरीर के ऊपर ठंडा पानी डलवाते जा रहे हैं। अब किसी को क्या पता था कि वो गुरु सच्चे मुर्शिद कामिल अपने सेवक की उस तपश को अपने जिस्म पर लेकर पानी डलवाकर ठंडा करते जा रहे हैं। सतगुरु मालिक के प्रति सेवक का प्यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी कोई दुख तकलीफ जिस्म पर या अपने किसी बच्चे पर आई तो वह घबरा जाए कि गुरु जी ने हमारा ऐसा क्यों होने दिया, इसे टाल क्यों नहीं दिया, यह बीमारी क्यों आई, हमारा यह काम क्यों नहीं बना, इत्यादि इत्यादि। यह सच्चा प्यार नहीं है, ऐसे लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, मालिक से दिखावा प्यार का ढोंग करते हैं, लेकिन जब कसवटी पर चढ़ाया जाता है तो कभी पूरे नहीं उतरते। परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज अपने एक शब्द में फरमाते हैं, यह सच्चा सौदा मालिक के प्रेम के आधार पर ही बना है। सिर देन दी है शर्त बताई, जो प्रेम दा व्यापार है करे, पैंदी करनी है कठिन कमाई, जो प्रेम दा व्यापार करे। नमस्कार।